दोस्तों हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं फेसबुक पे आप कैसे डेटा सेव कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक जब भी आप ब्राउज करते हो तो वहां पर जितने सारे वीडियोस है वो ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू कर देता है। इसका मतलब है जब भी कोई वीडियो प्ले होना शुरू करता है इसका मतलब है आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने छुआ भी नहीं और ये प्ले होना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है जब भी प्ले हो रहा है तो आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है। आप चाहो या ना चाहो ये प्ले होना शुरू कर देता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इसका अभी कोई सेटिंग्स है, मतलब आप इसको बंद कर सकते हो, ये ऑटो प्ले फीचर जो है इसको बंद कर सकते हो। तो बंद करके आप अपना डेटा सेव कर सकते हो और जो वीडियो आप सच में देखना चाहते हो उस पर टैप करने पर ही आपका वो वीडियो चलेगा। तो चलिए दिखाते हैं वो सेटिंग्स कहाँ पर जाके करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में जो मेनू है, मेनू में जाना है। मेनू में जाकर आपको नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकोगे यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी है। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हो डेटा सेवर। सो डेटा सेवर में आकर आप देख सकते हो टर्निंग दिस ऑन विल रिड्यूस इमेज साइज एंड स्टॉप वीडियो फ्रॉम प्लेइंग ऑटोमेटिकली टू हेल्प यूज लेस डेटा। तो आपको यहाँ पर जो डेटा सेवर है इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको एक दूसरा ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें लिखा हुआ है ऑलवेज टर्न ऑफ डेटा सेवर ऑन वाईफाई। इसका मतलब वाईफाई में जब आपका मोबाइल कनेक्ट होगा तब डेटा सेवर मोड ऑफ हो जाएगा और जब आप स्विच करोगे सेलुलर में तो डेटा सेवर ऑन हो जाएगा, मतलब सेव डेटा सेव होगा वाईफाई में, डेटा सेव नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसको भी बंद कर सकते हो, मतलब वाईफाई में भी आपका ऑटो प्ले ना हो। तो यह अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जितने सारे वीडियोस हैं वो अभी प्ले नहीं होने वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो जितने सारे वीडियोस हैं वो सब अब अपने आप प्ले नहीं हो रहा है। आप अगर चाहो तो प्ले कर सकते हो इस ऐसे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो और भी लाता रहूँगा तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।